Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि सर्कल के किसी भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल के सेंटर से पास करता है. आई रिपीट, आपको क्या प्रूव करना है कि सर्कल के किसी भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल के सेंटर से पास करता है. क्वेश्चन में फिगर एसोसिएटेड नहीं था, मैंने पहले से फिगर ड्रॉ करके रखा है. क्या किया मैंने, एक सर्कल बनाया मैंने जिसका सेंटर लाई कर रहा है पॉइंट ओ पे, और एक टेंजेंट बनाया मैंने पी क्यू जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पॉइंट पी पे, और पॉइंट पी से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पी आर जिसको मैंने जानबूझ के सेंटर से पास नहीं कराया है, और इस वजह से ये पी आर जो है वो पी क्यू के साथ परपेंडिकुलर जैसा आपको लग भी नहीं रहा होगा. और आपको यही प्रूफ करना है कि अगर ये पी आर पी क्यू के साथ परपेंडिकुलर है तो ये सर्कल के सेंटर ओ से ही पास कर रहा होगा. ठीक, कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं. सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं. क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वैसे टू मार्क्स कैटेगरी में आने लायक क्वेश्चन है. वी आर गिवन पी क्यू इज अ टेंजेंट, पी क्यू इज अ टेंजेंट एंड पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सच दैट ये जो एंगल है क्यू पी आर ये आपका 90 डिग्री है, सच दैट एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री. एक्चुअली ये तो पता है आपको कि ये जो पी आर है वो टेंजेंट पी क्यू के साथ परपेंडिकुलर है, ये मालूम है, लेकिन ये प्रूफ करना आपको कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो सेंटर से पास कर रहा होगा. ठीक, और यहाँ पे आप देखिए फिगर में सिंस पी आर को मैंने जानबूझ के पॉइंट ओ से पास नहीं कराया सेंटर से, इसका मतलब पी आर जो है वो सर्कल का रेडियस नहीं है, तो मैं सर्कल का एक रेडियस ड्रॉ कर देता हूँ. क्या किया मैंने, पॉइंट ओ और पी को ज्वाइन कर दिया मैंने सेंटर को, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैंने ज्वाइन कर दिया, जिससे ओ पी जो है अब आपका सर्कल का रेडियस हो. ये भी आपके लिए नोन है वैसे, तो इसको भी लिख लेते हैं, ओ पी इज रेडियस ऑफ द सर्कल. और इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट पी आर पासिस थ्रू द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल. पी आर पासिस through center O of the circle. ये आपको प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ करेंगे अब देखते हैं. प्रूफ देखिए, जैसे मैंने रेडियस ड्रॉ किया OP, आपको मालूम है रेडियस जो होता है टेंजेंट के साथ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो एंगल है कितना होगा 90 डिग्री, तो उसको लिख लेते हैं, एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन बींग रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक, इसको इक्वेशन वन बोल लेते हैं. ऑल्सो वी आर गिवन दैट एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन था, एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री. ठीक है, ये एक्चुअली क्वेश्चन में ही गिवन था, इसको इक्वेशन टू बोल लीजिए. और अब आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन वन इक्वेशन टू दोनों का आरएचएस सेम है 90 डिग्री, इसका मतलब इनके एलएचएस भी सेम होंगे, दोनों ही एंगल 90 डिग्री है ना, तो आप मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज दैट एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर. ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर एंगल क्यू पी ओ और एंगल क्यू पी आर दोनों ही इक्वल हैं और दोनों ही 90 डिग्री हैं, इसका मतलब पी आर जो है वो सेंटर से ही पास कर रहा होगा. क्यों, क्योंकि आपको मालूम है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर बना सकते हैं. अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, एंगल क्यू पी ओ भी और एंगल क्यू पी आर दोनों ही 90 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों दो अलग अलग लाइंस ना होकर एक ही लाइन है, दोनों एक दूसरे को कॉइंसाइड कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं आप. ठीक, दोनों एंगल इक्वल पॉसिबल तभी है जब ये जो पी आर है वो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा हो. ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल मतलब ये दोनों एंगल इक्वल तभी हो सकते हैं, ओनली व्हेन पी आर पासेस थ्रू द सेंटर, पी आर पासेस थ्रू द सेंटर. ठीक,
क्योंकि आपको मालूम है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर, ये आपको मालूम है, ठीक है. सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.